जी, ये बसपा से भाजपा में कैसे आना हुआ? पिछली बार ऐसी क्या स्थिति रही जो आपने बगावत कर दी? राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने अपना प्रत्याशी बन्नाराम मीणा को बनाया है। आज वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सबसे पहले बन्नाराम जी, बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस अवसर पर आए और हमारी बात जनता तक पहुंचाएंगे। बन्नाराम जी, ये बसपा से भाजपा में कैसे आना हुआ? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, अन्य दलों के लोग जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होते हैं, अन्य दलों को छोड़कर जब भाजपा में आए तभी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पिछली बार ऐसी क्या स्थिति रही जो आपने बगावत कर दी? नहीं, बगावत मैंने कभी नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी में पहली बार सदस्य बना हूं और पहली बार ही भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे टिकट दिया है। मैं कभी भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में सदस्य रहा नहीं था। आमजन में यह चर्चा है कि बन्नाराम को टिकट किस आधार पर मिला? मैंने 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पुनिया जी के नेतृत्व में ज्वाइन की थी और सम्माननीय हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र भाई मोदी जी की जिस तरह से भारत देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन करी। हमारे जिलाध्यक्ष जी अशोक गुप्ता जी यहाँ पर बैठे हैं, प्रभारी जी रुसनाल जी यहाँ खड़े हुए हैं और इससे पूर्व भी संजय सिंह नरुका जी हमारे जिलाध्यक्ष जी रहे। इनके सबके नेतृत्व में, इनके दिशा निर्देश में मैंने भारतीय जनता पार्टी की जैसे कार्यक्रम आए मैंने बहुत मजबूती से कार्यक्रम किए और मेरे शीर्ष नेतृत्व को, मेरे जिला के नेतृत्व को, पदाधिकारियों को मेरा काम पसंद आया। जैसे ही टिकट मिलती है, टिकट मिलने के पश्चात तुरंत आरोप लग जाते हैं कि टिकट बिका है, खरीदा गया है, इसमें कितनी सच्चाई होती है? ऐसी कोई बात भारतीय जनता पार्टी के एक हमारी एक बहन है, हमारी आकांक्षा थी, वो भी आकांक्षी थी, उनने गलती से इस बात तरह की बात कर दी। बाकी आम जन के अंदर सबको पता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक सर्वे की बहुत प्रक्रिया है, हमारे संगठनात्मक सर्वे होते हैं और आम जन को पूछा जाता है। बहुत ही बड़ी मेहरबानी यहाँ के जनता जनार्दन मेरे ऊपर करी, उन्होंने सर्वे में बन्नाराम कहा और जब उनको लगा कि बन्नाराम सेवा कर सकता है और अच्छे से पार्टी की ज्यादा बिछा सकता है तो पार्टी ने मुझे मौका दिया है काम करने का। मैं कोशिश करूँगा कि मुझे प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करने का अवसर प्रभु श्री राम की कृपा से मिला है। आपकी पार्टी में बगावत बड़े जोरों से हो रही है, आप कैसे निपटेंगे इनसे? हमारी पार्टी में कोई बगावत नहीं है, हमारी बहन जरूर थोड़ी सी नाराज है। उनको 2013 में पार्टी चुनाव लड़ने का मौका दिया था। हमारे जिले के पदाधिकारी जिलाध्यक्ष जी यहाँ खड़े हुए हैं, हमारी पार्टी के पूरे मंडल के और विधानसभा के पदाधिकारी जी यहाँ उपस्थित हैं। सभी को लेकर हम जो हमारे साथी थे जिनको टिकट नहीं मिल पाया, भारतीय जनता पार्टी पूरी विधानसभा में कोई टिकट दे पाती, हम सब लोग साथ जाएंगे और 2 दिनों बाद आपको लगेगा कि बहन सुनीता जी हमारे साथ। आमजन में ये चर्चाएं जोरों पर पकड़ रही है कि कांग्रेस में भी काफ़ी बगावत हो रही है और उनके जो बागी कैंडिडेट हैं उनको चुनाव लड़वाने की तैयारी करवा रहा है बन्नाराम मीणा, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? कांग्रेस पार्टी की जो नीति रीति है उनके बारे में जानते हो, 200 साल पुराने मंदिरों को यहाँ पर तोड़ा गया, भगवान शंकर की गर्दन को यहाँ आरी से काटा गया, उसका परिणाम कांग्रेस सरकार भुगत रही है और जिन्होंने पाप किया है उनका अंत होना तय हो गया, अधर्म का नाश हो रहा है और धर्म की स्थापना यहाँ पर होगी। भारतीय जनता पार्टी का शासन आने वाला है, जैसे ही रामराज की आहट शुरू हुई है कांग्रेसियों के दिमाग खराब हो गए, उन्होंने जो पाप किए थे उनकी वजह से उनमें फूट है और अधिकांश जो आकांक्षी जो प्रत्याशी बनना चाह रहे थे सभी ने चुनाव लड़ने से आपको कितना फायदा होगा? हमारे फायदा नफे की कोई बात नहीं है, लेकिन अब की बात पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह कमल का फूल बहुत सारी पंखुड़ियों से मिलकर बना होता है, इसे सारे कार्यकर्ता मिलकर कमल का फूल खिलाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 50,000 से अधिक वोटों से जीतेगी। आपको क्या नहीं लगता कि झोरेलाल मीणा ने, यहाँ विधायक थे, उन्होंने विकास करवाया है? झोरेलाल मीणा के जो होर्डिंग आप देख रहे हो सराय में लगे हुए हैं, वो या पेट बबूल का तो आम कहाँ से हो, ये जनता की धारणा है, मेरी धारणा नहीं है और उसके परिणाम पूरी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। कैसा चुनाव रहेगा, कितने मतों से आप जीतेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 15 साल बाद जीतेगी और ऐसी जीत होगी कि कभी कांग्रेस इतने मतों से कभी नहीं जीती। एक भ्रष्टाचार की बड़ी चर्चा रहती है विधानसभाओं में, क्या मामले हैं ये? भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार ने जबरदस्त किया है और जिसका परिणाम है कि कांग्रेस ने उनके सिटिंग विधायक का टिकट काटा और एक दूसरे अधिकारी को टिकट दिया है जिसको लेके पूरे कार्यकर्ता में संतुष्ट है। ये तो हमारे साथ राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बन्नाराम मीणा जो भाजपा से प्रत्याशी, आने वाला वक्त बताएगा जनता इन पर कितना विश्वास करती है। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।